हाय दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो पर। तो गाइस यार, आज की वीडियो पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस यार, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे क्रिकेटर्स को ये पता नहीं होता है कि उनको वार्म अप का तरीका क्या होना चाहिए। अभी गाइस यार, मैं भी पर्सनली बहुत सारे अकेडमी में अगर देखता हूँ तो वो क्या करवाते हैं, वहाँ पर वो स्टेटिक स्ट्रेचिंग करवाना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, और यहीं पर हर जगह यहीं पर ये रूल फॉलो होता है। पता नहीं है कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस यार, यहाँ पे एक्चुअली इस तरीके का वार्म अप रूटीन नहीं होता है। तो मैं, अगर आप एक क्रिकेटर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाह रहे हो, अगर आप एक सीरियस क्रिकेटर हो, तो उस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वार्म अप का रूटीन होता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस यार, जो तरीका होता है वो होता है रैंप प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अब गाइस यार, इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका रैंप में आर आता है, तो आर मतलब होता है रेज। तो रेज में क्या होता है, आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है अप टू एक अच्छे लेवल पर। अब रेज करने के लिए क्या कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, अगर ग्राउंड में ये सेशन आपका चल रहा है, अगर आप जिम में सेशन कर रहे हो तो आप वहाँ पे ट्रेडमिल पे रन कर सकते हो, उसके बाद आप हाई नीज कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, बर्पीज कर सकते हो, ये सारे आपको हेल्प करते हैं अपना टेम्परेचर को रेज करने में। और गाइस यार, एक ऑप्टिमम लेवल पर टेम्परेचर रेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ब्लड फ्लो आपका जल्दी जल्दी, मतलब कि थोड़ा तेज़ी से हो, और उससे क्या होता है, बॉडी को पता चलता है कि अभी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी, विग्रेस एक्टिविटीज़ होने वाली है। इसलिए गाइस यार, आपको जो कहीं भी आप सेशन करने जा रहे हो प्रैक्टिस से पहले, आपको सबसे पहले रनिंग कर लेनी चाहिए, हाई नीज, जंपिंग जैक्स, ये सब कर लेनी चाहिए। अब गाइस, यहाँ पर जो रैंप में जो दूसरा वर्ड है वो है ए। तो गाइस यार, ए में क्या होता है, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट में आपको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट में आपके जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, लाइक ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, कोर, क्वाड्स, शोल्डर, ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट करना पड़ता है। और इनको एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग तरीके एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हिप और ग्लूट्स को। तो हिप और ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको करना है हिप थ्रस्ट। तो हिप थ्रस्ट क्या, कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको साइड में एक वीडियो दिखा दूंगा, उस तरीके से आपको हिप थ्रस्ट को करना है। तो हिप थ्रस्ट आप कम से कम 15 रिपीटेशन कर सकते हो, और हिप थ्रस्ट करने के बाद आपको करना है गाइस यार अपना हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट। तो हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट करने का भी मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा दूंगा कैसे करना है हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट। अब गाइस यहाँ पर जो बात करते हैं शोल्डर को एक्टिवेट कैसे करना है, तो शोल्डर को एक्टिवेट करने के लिए आपको करना है IYTW। तो गाइस यार, IYTW में क्या होता है, यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा कि किस तरीके से IYTW करना है। शोल्डर का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवेट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए, फील्डर के लिए एज वेल। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर को भी एक्टिवेट करना। तो गाइस यार, एक्टिवेट करने के बाद हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, वो होता है मोबिलिटी। मोबिलाइज करना पड़ता है हमें अपने सारे जॉइंट्स को। तो मोबिलाइज करने के लिए आपको क्या करना, आप सबसे पहले इंच वॉर्म कर सकते हो, इंच वॉर्म भी आपको साइड में मिलेगा। तो इंच वॉर्म में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप अच्छे से इसको प्रॉपरली करो, ज़्यादा इंजरी नहीं, नॉर्मल करना पड़ता है इंच वॉर्म। उसके बाद गाइस यार, आप क्लैम सेल कर सकते हो, क्लैम सेल की वीडियो मैं साइड में आपको दे दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से क्लैम सेल को देखो कैसे करना है। तो गाइस यार, ये होता है मोबिलाइज। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप आर्म स्विंग कर सकते हो, जो सबको पता ही होता है, आर्म स्विंग, अपने नेक को रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री। उसके बाद गाइस यार, अपने हिप को रोटेट कर सकते हो, उसके बाद अपने नीज को रोटेट कर सकते हो इंटरनली एक्सटर्नली, उसके बाद आप अपने जो ये मूवमेंट होती है उसको भी आप कर सकते हो। तो गाइस यार, इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरे जॉइंट्स जो होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद जो गाइस यार, अगला जो स्टेप होता है वो होता है पोटेंशिएट। पोटेंशिएट में क्या करना पड़ता है, आप जो भी चीज़ करने वाले हो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो, तो उस तरीके का एक आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए आप बॉलिंग करने वाले हो, तो थोड़ा आपको 10 बॉल 15 बॉल शैडो कर लेना है अपने बॉलिंग के एक्शन का। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा शैडो कर लेना है बैटिंग का, और आप लंजेस भी कर सकते हो एज ए बैट्समैन, और एज ए बॉलर आप जो भी ड्रिल्स कर सकते हो, थोड़ा रनिंग कर सकते हो, स्ट्राइड लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो वार्म अप रूटीन फॉलो होता है, इस तरीके से आपका ये पूरा वार्म अप रूटीन ख़त्म होता है। ये वार्म अप में आपको 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, और ये बेस्ट वार्म अप है। साइंटिफिक यहाँ पे रिसर्च पाया गया कि ये सबसे बेस्ट वार्म अप होता है आपको अच्छे से वार्म करने के लिए। तो आप कहीं भी जाओ, ये रूटीन को फॉलो करो, और आप अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस भी देखोगे। तो बस गाइस, यहाँ पर इतना वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएँ।